प्यारे छात्रों, आइए कविता का सरल अर्थ देखते हैं। नदी की पुकार और नदी का योगदान इंसान मानव जीवन के अंदर कितना है, नदी हमसे कह रही है। प्यारे छात्रों, क्या आप कभी किसी नदी के ऊपर, उसके तट पर, जब कभी भी आप वहाँ पर जाकर बैठे होंगे तो वो आपको हरदम गीत सुनाती हैं, प्यारे प्यारे बोल बताती हैं। यहाँ तक कि नदी हमसे कहती है कि अगर कहीं पर सूखा पड़ जाए तो वो हमें बिना शुल्क हमें जल देती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं और हमें खुशहाली देती हैं। इसलिए नदी हमसे पुकार रही हैं कि हमें, मुझे बचा लो, कल कल कर रही हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। प्यारे छात्रों, नदी हमसे ये कह रही है, अगले छंद में, अगले ही बंद में वो हमें कह रही है कि मैं, जब मेरे पास कोई आता है तो मैं खेतों को हरियाली देती हूँ, चाहे कितनी ही महंगाई पड़ जाए, मैं बिना शुल्क के, बिना कुछ लिए के उसे जल देती हूँ, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देती हूँ और सब समाज को हरा भरा कर देती हूँ। इसके लिए नदी पुकार रही है कि मुझे बचा लो, वो कल कल कर रही है, समाज से कह रही है कि मुझे बचा लो। आखिर में वो कह रही हैं, आखिरी बंद में कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जब मैं झरना बनकर बहती हूँ तो नैनों को खुशहाली देती हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको सदा खुश रखती हूँ, और झरने जब बहते हैं तो उससे गुनगुनाहट आती है, चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है। इसके लिए वो एक संदेश, एक पैगाम दे रहे हैं कि नदियों को, उसके पानी को हमेशा बचा के रखो, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही बेहतर और बेहतरीन ज़िंदगी का सरमाया है। इसलिए नदी कल कल करके कह रही है कि मुझे बचा लो, मेरे भाइयों मुझे बचा लो। प्यारे छात्रों, ये कविता के माध्यम से हमें नदी की पुकार हम सुन रहे थे, उसका सारांश सुन रहे थे। अब उसके बाद आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? छात्रों, आप बताइए कि आपने जो नदी की पुकार सुनी तो आप इसके बारे में अपना ख्याल पेश करें, आप बताइए। अच्छा, आप भी बता सकते हैं